केंद्र सरकार के CAA बिल के पास करने के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश भर के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय द्वारा CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुरादाबाद में भी पिछले 8 दिन से CAA बिल के विरोध में ईदगाह मैदान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जबकि मुरादाबाद में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। विरोध प्रदर्शन के चलते आज मुरादाबाद के सूचना विभाग के उपनिदेशक जहांगीर आलम अपने 3 अन्य कर्मचारियों के साथ ईदगाह मैदान में चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे और वहां अपने कर्मचारी मुकुल के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा CAA के समर्थन वाले पोस्टर वितरित कराने शुरू कर दिए, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों में से कुछ लोग उठे और सूचना विभाग के कर्मचारी को पकड़ लिया। मुकुल को पकड़ने के बाद उससे अपराधियों की तरह पूछताछ करना शुरू कर दी। आरोप है कि सूचना विभाग के कर्मचारी मुकुल के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने मारपीट भी की है। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल लोगों पर आरोप है कि किसी ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहां पर विरोध कर रही भीड़ से रेस्क्यू कर सूचना विभाग के कर्मचारियों को निकाला। भीड़ की पिटाई का शिकार मुकुल को पहले जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया, फिर उसकी तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। घटना के समय की वायरल वीडियो में आए मारपीट करने वाले लोगों के चेहरों की पहचान कर अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। मुझे सिर्फ पकड़ लिया था, झगड़ा उपड़ी करने लगे मेरे साथ, पर्चे बांटने गए थे, जो शासन से प्रसादित हुए थे संशोधन वाले वो गए थे बांटने के लिए और मुझे पकड़ लिया। जी जी, 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 जी। ये ईदगाह में CAA NRC को लेके एक अनाधिकृत धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आज ये उपनिदेशक सूचना अधिकारी थे वहाँ पे CAA NRC के संबंध में जो ट्रू फैक्ट्स हैं उसको लेकर फैम्फलेट बांटा जा रहा था, तो वहाँ पे जो मौजूद भीड़ थी इनको घेर लिया और इनके साथ धक्का मुक्की की गई। इनके साथ 4 लोग और थे और जो इनके साथ जो ड्राइवर था उसके साथ मारपीट भी की गई। इस पे मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को सर संख्या बताई गई है और महिलाएं भी थी क्या? अभी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी तहरीर के आधार पर पूरा कार्रवाई की जाएगी। सर का कोई सामान भी गया है इसमें, मोबाइल करने? हाँ, इसमें जो मोबाइल था इनके पास उसको छीनने की कोशिश की गई है और उसको ले लिया, इनके द्वारा छीन लिया गया था जो भीड़ थी। फिर बाद में पुलिस जब वहाँ पे तत्काल रेस्क्यू के लिए पहुँची थी, इन सभी को सुरक्षित वापस लाया गया और इस मोबाइल को भी। ये अभी जो वीडियो फुटेजेस वहाँ पे बनी हुई है उनके आधार पे चिन्हीकरण किया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सर, जो टीम गई थी उसमें कौन-कौन सा? इसमें उपनिदेशक सूचना अधिकारी थे, इनके साथ उनके 3 सहयोगी थे, साथ में उनका ड्राइवर था। मेडिकल किसी? अभी सबका मेडिकल के लिए ड्राइवर है, उसको भेज दिया गया है, बाकियों की चेकअप किया जा रहा है। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।